हिंदुओं का पवित्र महीना सावन माह कहा जाता है कि ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का होता है और भगवान भोलेनाथ सबके नाथ हैं, क्योंकि बिहार सरकार के जो विभाग हैं उन विभागों के भी भगवान हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वो प्रमाण दिखाएंगे जो साफ दिखेगा कि बिहार सरकार के विभागों के भगवान भी हैं। हम अभी राजधानी पटना के फतुहा स्थित बिहार सरकार की कोऑपरेटिव बैंक में खड़े हैं और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक से सीधे आपको इधर हम दिखाते हैं, ये भगवान भोलेनाथ की मंदिर है। ये और इस भोलेनाथ की मंदिर का नाम है बाबा बैंकेश्वर नाथ। ये सिर्फ यही नहीं, हम आपको और भी दिखाएंगे, यहाँ पर खंड के प्रखंडेश्वर नाथ भी है, थाना के लिए थानेश्वर नाथ भी है। तो सबसे पहले हम बैंकेश्वर नाथ में, यहाँ देखिए महिलाएं जो है, आज सोमवार का दिन है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने पूजन करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये कब से आप लोग यहाँ पूजा करने आते हैं? 3 साल से आ रहे हैं यहाँ से। क्या आप लोग लोकल ही हैं? कोई मानता है, मतलब वो मानने पे है ना कि आप जो मानते हैं, सबका अपना अपना है वो चीज। वैसे ये तो मंदिर बहुत पुराना है, पापा के टाइम से भी पहले का है। इनको बैंकेश्वर नाथ के लिखा हुआ है ऊपर में, अब ये नहीं पता। हाँ, क्या देखिए पूजा कर रहे हैं, ये बहुत छोटा शिवलिंग है लेकिन काफी पुराना है। क्या बता रहे थे? एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव के नाम से लिखा है। हाँ, इनको उनके नाम से भी जाना जाता है, एकांतेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि ये एकांत में है ना, एकांतेश्वर लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ, लेकिन एकांत में है ना, जिसके कारण इनको एकांतेश्वर महादेव भी बोला जाता है। एकांतेश्वर और बैंकेश्वर दोनों जी, बैंक में है इसलिए बैंकेश्वर है। हाँ, बैंक में है इसलिए, बैंक में कोई लोग थे जिनका कोई बच्चा नहीं था, बस उनका पुत्र हुआ, उसके उपलक्ष में ही उनका महादेव जी का स्थापना हुआ। कम से कम ये तो 40-50 साल पुराना हो गया। बैंक के क्या मैनेजर थे वो? वो कोई भी थे, कोई कर्मचारी ही थे बैंक के, पूरे से हमको पता नहीं है। ओ, ये बार हम फिर दिखाएंगे, ये बहुत छोटे शिवलिंग है लेकिन इसकी जो कहानी, एक महिला जो पूजन कर रही है वो बताई कि ये बहुत ये शिवलिंग की बहुत महत्व है और इसका नाम बैंकेश्वर नाथ उस समय पड़ा जब इस बैंक में कोई मंदिर नहीं था और इस बैंक के ही एक कर्मचारी की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और भगवान से भोलेनाथ से मांग किया था और जब वह उनकी स्थिति में सुधार हुआ उसके बाद यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की गई और इसका नाम इसी बैंक के नाम से बैंकेश्वर नाथ रखा गया। हम आगे आपको ले चलेंगे जहाँ दिखाएंगे कि प्रखंड के लिए प्रखंडेश्वर नाथ भी है और थाना के लिए थानेश्वर नाथ। बैंकेश्वर नाथ के बाद अब हम पहुँचे हैं प्रखंडेश्वर नाथ मंदिर। ये जो है फतुहा प्रखंड कार्यालय है, सबसे पहले हम दिखा दें, ये प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय है और इसी कार्यालय में स्थापित यहाँ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है और यहाँ इसका नाम है प्रखंडेश्वर नाथ। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ लिखा हुआ है बाबा प्रखंडेश्वर नाथ, यानी प्रखंड के लिए भगवान अलग है, प्रखंड के लिए प्रखंडेश्वर नाथ। यहाँ महिलाएं, आसपास की महिलाएं और प्रखंड में कार्यालय में जो आवास है उसके वहाँ की महिलाएं और आते हैं और देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ महिलाएं पूजा कर रही है। यहाँ भी बहुत छोटा सा शिवलिंग है लेकिन इसका जो प्रखंड की रक्षा करने के लिए प्रखंड के कार्यालय में जो कर्मी है वह सुबह सुबह आते हैं, जो जानकारी मिली है कि सुबह आते हैं यहाँ पूजा करते हैं, पर चाहे BDO साहब हो, PO साहब हो या अन्य कर्मचारी हो, इसमें इस प्रखंडेश्वर नाथ मंदिर में आते हैं पूजा करते हैं। और अभी सोमवारी को लेकर यहाँ आसपास की महिलाएं और आसपास के लोग भी आते हैं। तो दो विभाग के दो भगवान हमने दिखाया, अब चलते हैं आपको जो सुरक्षा देते हैं थाना, वो थाने के लिए जो भगवान है उनका भी हम आपको दर्शन कराते हैं, बाबा थानेश्वर नाथ का। विभागों के भगवान में हमने दिखाया आपको बैंकेश्वर नाथ, प्रखंडेश्वर नाथ, अब हम आ पहुँचे हैं थानेश्वर नाथ।
थाना में लोगों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा भी भगवान करते हैं। हम अभी फतुहा थाने में हैं, ये थाना का परिसर है और यहाँ कई जब्ती गाड़ियाँ हैं, उधर थाना का परिसर है, तो थाना अध्यक्ष का कमरा उधर है और इसके जस्ट बगल में यहाँ आप देखिए ये बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और इस मंदिर का नाम है बाबा थानेश्वरनाथ। ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, ऊपर में काफ़ी बड़ी मंदिर है और यहाँ थाना के स्टाफ तो पूजा करते हैं, साथ में आसपास के लोग भी जो यहाँ पर पूजा करने आते हैं। इसके लिए एक अलग से दरवाज़ा खुला हुआ है ये मंदिर के लिए, और थाना के लोग भी और बाहरी लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो एक बार हम थोड़ा चाहेंगे कि ये भगवान भोलेनाथ यानी थानेश्वरनाथ का ये शिवलिंग है और यहाँ ऐसी मानता है कि जो लोग सच्चे मन से आते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो एक बार हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं, आज सुबह से ही तो बाबा थानेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो मंदिर का क्या खासियत है, क्या मानता है? बहुत मान्यता है, बहुत जो कहते हैं जो होता है। एक मंदिर का क्या नाम है? थानेश्वर बाबा। थानेश्वर बाबा यानी थाना के नाम पर थानेश्वर पड़ा है? अब हमको जानकारी लेकिन थानेश्वर बाबा नाम है, थाना में है ना। थानेश्वर बाबा का आप कितने कब कब आए हैं पूजा करने? हम तो बहुत दिन से ही आ रहा है। बहुत दिन क्या मंदिर की कोई मान्यता? हाँ मान्यता, जो मांगते वो पूरा होता है। आसपास के है या थाना पर? आस ही पास के है, थाना के पास। थाने के लोग भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ आते, बहुत मदद करते हैं थाने वाले। यहाँ का जो बेलपत्र है ना बहुत ऊंचा है तो सबको वो मदद करते हैं। तो यानी इस मंदिर में बेल का भी पेड़ है और बेलपत्र यही से आदमी तोड़ लेते हैं? हाँ लेकिन वो बहुत ऊंचा है कि कोई तोड़ नहीं पाता है, तो वो मदद करते हैं थाने वाले, थाने के स्टाफ लोग। उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बेलपत्र के बिना पूजा संभव नहीं है। देखिए यहाँ थाने में बेल का भी पेड़ है और बेलपत्र तोड़ने में पुलिसकर्मी मदद करते हैं श्रद्धालुओं की। थानेश्वर नाथ मंदिर की क्या खासियत है, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा, ये थानेश्वर नाथ कब क्यों नाम पड़ा थाने? क्योंकि क्या हर सुरक्षा के लिए तो थाना होता है, थाना की सुरक्षा के लिए भगवान? जी हाँ, ये थाना के हाथे में मंदिर है इसलिए इसे नाम थानेश्वरनाथ पड़ा है। प्राचीन सबसे प्रथम काल में एक धर्मपाल बाबू नामक एक दरोगा थे, अंग्रेजों के पहले या बाद में? देश आजादी के बाद। जी देश आजादी के बाद वे निसंतान थे, लेकिन यहाँ आए वे हार्दिक दिल से भगवान शंकर जी की पूजा करते रहे, उनके एक संतान भी पैदा हुआ। वह सुंदर एक मंदिर बनवा दिए, उस दिन से हमारे दादे के राज से ही मंदिर का पुजारी नियोजित करके पिताजी गुजर गए, हम भी पूजा कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान शंकर जी के श्रद्धालु लोग जो भी आते हैं पूजा करने के लिए उनकी सकल मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तो बाहरी लोग आते हैं, थाने के लोग कितना? जी थाना के लोग भी जो स्टाफ लोग के परिवार लोग हैं, यहाँ तो ज़्यादा परिवार लोग रहते हैं नहीं, लेकिन जो थाना अध्यक्ष के परिवार लोग हैं या जो फैमिली रहते हैं वो आकर के पूजा यहाँ भी करते हैं। और यहाँ सोमवारी वगैरह को सजावट वगैरह जो जी हाँ सजावट देख ही रहे हैं। ये सब कौन करता है? ये यहाँ थाने के द्वारा होता है, थाना के द्वारा मंदिर का में पूरा सपोर्ट थाना का करता है, पूरी देख रेख थाना की रहती है। यानी कहा जाता है कि थाने की सुरक्षा कौन कर रहा है? थाना की सुरक्षा यहाँ के प्रभारी जो है जो करते हैं। थानेश्वर नाथ तो औली नौल हुए सर्वे सर्वा वो है, वो सबको सुरक्षा करते हैं, लेकिन देख रेख में तो यहाँ पर भी कुछ आदमी का जरूरत होता है ना। तो ये जो बिहार सरकार के जो तीन विभाग हमने दिखाए, बैंक, प्रखंड कार्यालय और थाना, ये तीनों के अलग अलग भगवान हैं। चौगी सुरजीत के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज पटना।